मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम विद मी। तो आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बज रहा है मॉर्निंग का 10:30 बज गया है और सुबह आज स्कूल में देखे बेटा को, फिर मैं अभी थोड़ा सा घर बिखरा हुआ है तो उसको ठीक करूँगी। तो उसके बाद आज मैं करूँगी कुछ वीकली स्किन केयर, तो वो भी आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे रहेगा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा मेरा वीकली जो स्किन केयर है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और उसके साथ थोड़ा सा मैं रेसिपी भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। तो चलिए, मैं जो अभी 10:30 बजे है तो जो वीकली स्किन केयर है थोड़ा बहुत मैं करती हूँ वही आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ये सैनफी का फेस रेजर, जो फेस रेजर के लिए बहुत ही अच्छा है और जो आईब्रो आप लोग हर टाइम आईब्रोज को फ्लैट ठीक करने के लिए पार्लर जाते हो तो आप लोग घर पे भी ऐसा कर सकते हो। तो आज मैं ये सैनफी का फेस रेजर से मेरा जो फेशियल हेयर है वो रिमूव करूंगी। चलिए आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लगा लूँगी अच्छे से ऑयल और ऑयल देने से जो हमारा फेशियल हेयर है वो थोड़ा नरम होता है, तो उसके बाद इसको रिमूव करने में बहुत ही हेल्प होता है। तो देखिए, तो मेरा फेशियल जो हेयर है छोटा छोटा है, ज़्यादा नहीं है और जितना भी है छोटा है एकदम, फिर भी मैं कर रही हूँ। और देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा रेजर है क्योंकि मैंने भी एक रेजर खरीदा था बट उससे मेरा एकदम जो फेशियल थोड़ा बहुत मेरा हेयर है वो नहीं निकला था, बट ये वाला सैनफी का जो फेस रेजर है बहुत मुझे अच्छा लगा इसीलिए क्योंकि इससे थोड़ा बहुत मेरा जो फेशियल हेयर है वो निकल गया। और ये तो आईब्रो के लिए एकदम बहुत ही अच्छा है, तो आईब्रो को आप लोग ऐसे करके आईब्रोज का जो हेयर है वो भी आप लोग शेप कर सकते हो इसको लगा देके। और थोड़ा सा मैं ऑयल और भी लगा ले रही हूँ और देखिए ऐसे करके मैं नीचे तरफ इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको खींच के ये जो हेयर है वो रिमूव कर रही हूँ और ये कट होने का कोई टेंशन नहीं है तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ऊपर तरफ जो फोरहेड का जो हेयर है वो आप लोग ऐसे खींच के ऊपर तरफ तो ऐसे करके रिमूव कर सकते हो, तो मैंने किया है, देखिए कितना अच्छा हुआ है। अभी मैं सैनफी का ही एक क्ले फेस मास्क यूज़ कर रही हूँ और ये फेस मास्क भी बहुत ही अच्छा है, तो मैं ये अच्छा है ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये लगाने के बाद मुझे क्या हुआ है आप लोगों को ये वीडियो ये लगाने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये सैनफी का जो है ग्लो क्ले मास्क, तो ये लगाने के बाद मेरा जो स्वेट है वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ और बहुत जल्दी स्वेट नहीं आता है मेरा अभी। तो ये मेरा एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा हुआ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये देने के बाद मेरा स्किन थोड़ा सा ग्लो भी कर रहा है। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ तोरी का एक बहुत ही न्यू सा रेसिपी, मेरे लिए तो न्यू है क्योंकि आज ही मैं ये बना रही हूँ। तो तोरी को पहले तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड करके लिया है और कढ़ाई पे अभी दे दिया है ऑयल। ऑयल देने के बाद मैंने दिया था थोड़ा सा कलंजी और उसके बाद ऑनियन और टमाटर को अच्छे से मैं दे के फ्राई कर लूँगी और ये फ्राई हो जाने के बाद मैं जो तोरी ग्राइंड करके रखी थी वो मैं ऐड कर दूँगी। तो अभी देखिए तोरी को ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं अभी कश्मीरी लाल मिर्च नमक हल्दी दे दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है बट ये खाने में बहुत ही यम्मी हुआ है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ये खाने के बाद मैं अब ये वॉइस दे रही हूँ बट बहुत ही यम्मी हुआ था। तो देखिए मैं इसको अच्छे से मिला के अभी थोड़ा सा मैं ढक के इसको रख दूँगी। और अभी थोड़ा सा मैं सब्जी मसाला ऐड कर रही हूँ और ये मेरा खुद का रेसिपी है,
बट मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा देखा था ये तोरी को ग्राइंड करके ऐसे बनाता है, बट जो मसाला है वो स्पेशली मेरा ही मसाला है, जो मेरे पास था वही मैं दे रही हूँ। और देखिए ये एकदम सूख गया है और ये बहुत ही टेस्टी बना था, तो आप लोग भी ट्राई करना ऐसी तरह से, बहुत ही अच्छा लगने वाला है आप लोगों को भी। अभी मैं बनाऊंगी और ये तो हो गया है ऑलमोस्ट, शुगर मैंने दिया था थोड़ा सा, और अभी मैं बनाऊंगी आलू का दम। और आलू का दम बनाने के लिए भी मैं देखिए थोड़ा सा अदरक और टमाटर और प्याज को मैं फ्राई कर ले रही हूँ, और एक तेज़पत्ता मैंने दे दिया है। ये फ्राई हो जाने के बाद मैं दे दूँगी आलू। आलू ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च मैं ऐड कर दूंगी इसमें, और थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर। इसके बाद इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूंगी और थोड़ा सा शुगर भी मैं ऐड करूंगी इसमें। कदम बना रही हूँ क्योंकि बहुत दिन से मैं आलू का दम नहीं बना रही थी। और देखिए जो बड़ा बड़ा आलू है वो बेटा बोला ये तुम नहीं कट करोगे, तो इसलिए देखिए मैंने कट नहीं किया है। और थोड़ा सा घी मैंने दे दिया है। तो ये आलू का दम देखिए ऑलमोस्ट हो गया है, और थोड़ा सा गरम मसाला और घी मैंने ऐड कर दिया है, और इसका जो टेक्सचर है कितना अच्छा हुआ है देखिए आप लोग। और इस तरह से आप लोग भी आलू का दम बनाना, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने लहसुन ऐड नहीं किया। तो आज के लिए मेरा ब्लॉग इतना सही, फिर मिलूँगी दूसरा कोई वीडियो में या ब्लॉग में। बाय बाय।